इस ऑडियो के लिए में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फाइव के चैप्टर नंबर सेवनटीन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग सेवनटीन पॉइंट थ्री एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस के एक्सचेंज की मुख्य जगह एल होती है गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यू के बीच भी होता है इन जगहों में ओ टू एंड सी ओ टू का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है और यह मेनली प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर इस प्रकार हैं नंबर वन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, नंबर टू डिफ्यूजन में उपयोग होने वाली मेम्ब्रेन की थिकनेस गैसों के मिक्सचर में एक गैस की वजह से जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं इसे ऑक्सीजन के लिए पी एंड सी के लिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं एटमोस्पिर एयर में इन दो गैसेस का पार्शियल प्रेशर और इनकी दोनों डिफ्यूजन साइट में पार्शियल प्रेशर को टेबल 17.1 एंड फिगर 17.3 में दिखाया गया है टेबल में जो डेटा दिया गया है वह ऑक्सीजन को एल से ब्लड एंड ब्लड से टिश्यू तंसनट्रेशन ग्रेडियंट को साफ साफ दर्शाता है टेबल सेवनटीन पार्शियल प्रेशर इन एम ऑफ ऑक्सीजन एंड सी एट डिफरेंट पार्ट involved इन डिफ्यूज़न इन comparison टू डोज इन atmosphere. बात करें अगर हम एटमोसफियरिक एयर में O2 होता है 1.59 फिफ्टी नाइन एंड सी ओ टू होता है पॉइंट थ्री एल बीओलाई में वो ओ टू होता है वन ज़ीरो फोर एंड सी ओ टू होता है फोर्टी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है फोर्टी एंड सी ओ टू होता है फोर्टी फाइव ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओ टू होता है नाइन्टी फाइव एंड सी ओ टू होता है फोर्टी टिशू में ओ टू होता है फोर्टी एंड सी ओ टू होता है फोर्टी फाइव ठीक इसी तरह सी ओ टू का भी ग्रेडियंट होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मतलब टिशू से ब्लड एंड ब्लड से एल्बियोलाई तक सी ओ टू की सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन की तुलना में बीस से पच्चीस गुना ज़्यादा होती है इसलिए सी ओ टू का डिफ्यूजन ओ टू की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में मेनली तीन लेयर होती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं एल्बीओलाई की थिन स्क्वेमस एपिथीलियम एल्बलर कैपलरीज की एंडोथिलियम एंड इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन इनकी टोटल थिकनेस वन मिलीमीटर से भी कम होती है हमारी बॉडी की ये सभी फैक्टर ओ टू को एलबीओलाई से टिशू एंड सी ओ टू को टिशू से एलबियोलाई तक ले जाने में सहायक होते हैं आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना